ये है इरा सिंघल, एक ऐसा नाम जिससे आज सारा देश परिचित है, क्योंकि इरा ने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने सपनों की उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर देश की सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, और ये बिल्कुल सटीक बैठती है इरा सिंघल पर। मेरा अपना कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब छोड़ के आने का मोटिव मेनली ये था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है एंड लोगों के बीच में रह के लोगों के साथ काम करना है। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? जिस भी जगह मैं जाऊँ वहाँ पे कम से कम कुछ लोगों की जिंदगियों में तो इम्प्रूवमेंट करके आऊँ। हमारे देश की बेटियों के लिए आपका संदेश? अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, हम सब में उतनी ही कैपेबिलिटीज़ हैं, सिर्फ हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान के उन्हें अच्छी तरह से मोल्ड करना होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इरा ने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया और रास्ते में किसी बाधा को नहीं आने दिया, ये सब चुनौतियों को पार किया, उसी तरीके से हमारी देश की बेटियाँ भी अपने सपनों के लिए ऊँची उड़ान ज़रूर भरेंगी और हिम्मत और हौसलों को कायम रखेंगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ ममता चोपड़ा, TD News के लिए।